Shine bright up all night. We're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes. We're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing. हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद सारे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग आए हुए हैं कन्याकुमारी। अभी हम लोग पहुंच गए हैं कन्याकुमारी का जो टोल गेट है वहां पे। तो हम लोग बस में ट्रैवल कर रहे हैं बैंगलोर टू कन्याकुमारी। तो बस का जो वीडियो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बस स्टॉप में पहुंचने के बाद हम लोगों ने ऑटो से जा रहे हैं हमारा जो होटल है। तो ये रहा हमारा होटल, होटल टेंपल सिटी बोल के कन्याकुमारी का जो बीच है, मेन बीच, तो उसके पास में ही हम लोगों ने होटल बुक किया था। और ये है हमारा होटल का रूम। तो ये जो डिलॉक्स रूम होता है ना, वो हम लोग बुक किए थे क्योंकि हम लोग 6 जन थे तो हम लोगों ने एक ही रूम ले लिया। तो उसमें क्या होता है ना, तो फैमिली के सब गए हो ना तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है एक साथ रहने के लिए। होटल का रूम बहुत ही अच्छा था, साथ ही साथ होटल बहुत ही अच्छे लोकेशन पे था। सब कुछ आपको वॉकेबल डिस्टेंस पे मिल जाएगा, जैसे रॉक मेमोरियल हो गया और हमारा त्रिवेणी संगम हो गया, तो सब कुछ आपको वॉकेबल डिस्टेंस पे मिल जाएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल देखने के लिए। सो अभी हम लोग पहुंच गए हैं और आप देख सकते हो कि कितना लंबा लाइन है यहाँ पे। तो यहाँ पे सारा का सारा जो इंस्ट्रक्शन वगैरह है और क्या क्या है वहाँ पे, तो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत भीड़ था जैसे कि आपने देखा। तो हम लोगों ने स्पेशल टिकट बुक किया। अगर आप नॉर्मली वहाँ पे खड़े होके आना चाहते हो तो 50 रुपीज़ लगता है, और अगर आप स्पेशली जाना चाहते हो तो 200 रुपीज़ लगता है ईच। तो अभी हमारा बोट आ चुका है और यहाँ पे देख रहे हो कि कितना सारे लोग है यहाँ पे और सब लोग जा रहे हैं वहाँ पे। तो इस जगह का मान्यता ये है कि स्वामी विवेकानंद जी जब पूरा वर्ल्ड घूम रहे थे तो ये जगह उनको इतना अच्छा लगा और इतना पीसफुल लगा कि वो यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए आए थे। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानने के लिए ये मेमोरियल उन्होंने बनाया है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं और अभी हम जाते हैं अंदर। और अंदर जाते ही यहाँ पे बहुत सारे फिश थे, छोटे छोटे फिश आपको दिख रहा है, तो बहुत सुंदर लग रहा था। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर। मैं ऊपर जाके आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ। तो ये जो रॉक मेमोरियल है ये सराउंडेड बाय 3 ओशंस, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरेबियन सी। तो यहाँ पे आपको और एक बड़ा सा स्टैचू देखने को मिल जाएगा, बहुत ही फेमस पोएट हैं तमिलनाडु के, तिरुवल्लुवर बोल के। तो आप यहाँ पे वो भी देख सकते हैं और विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी देख सकते हैं। तो अभी हम अंदर जाते हैं जहाँ पे विवेकानंद जी का एक बड़ा सा स्टैचू है, लेकिन वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है तो मैं अंदर का आपको नहीं दिखा सकती। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल के सामने ही आपको एक टेंपल भी मिल जाएगा जिसको बोलते हैं श्रीपाद पराई बोल के। और मैं आपको यहाँ से व्यू दिखा रही हूँ, बहुत सुंदर व्यू था यहाँ से, चारों तरफ ओशन ही ओशन है और बीच में आप जैसे लगेगा कि हम कहाँ पे आ गए हैं, समंदर के बीचों बीच। तो ये है उनका घड़ी जो सूरज को देख के इनको टाइम का अंदाज़ा लगाना होता था, तो ये उनके ज़माने में ये लोग करते थे। और ये देख रहे हो आप कितने जोर से जो वेव है वो सब हिट हो रहा है ये पत्थर को, और बहुत सुंदर नजारा था। With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you.
सो गाइज उसके बाद हम लोग आ गए थे कन्याकुमारी का मेन टेम्पल पे। कन्याकुमारी है पार्वती जी का एक रूप, तो यहाँ पे जो जेंट्स लोग जाते हैं ना मंदिर के अंदर, उनको अपना शर्ट और जो बनियन जो भी वो पहनते हैं उसको निकाल के उनको जाना होता है। तो उसके बाद हम लोग गए थे त्रिवेणी संगम देखने के लिए, और वहाँ पे आपको अगर आप सुबह आते हो तो यहाँ पे आप नहा भी सकते हो, तो बहुत ही पुण्य माना जाता है यहाँ पे। तो अभी तो सनसेट का टाइम हो गया था, तो हम लोग सोचे कि नेक्स्ट मॉर्निंग हम यहाँ पे आके नहाएंगे, तो इसलिए हम लोग चले गए थे सनसेट देखने के लिए। सो कन्याकुमारी बेसिकली क्या है ना, मतलब सनसेट और सनराइज के लिए बहुत फेमस है। दूर दूर से लोग यही देखने के लिए यहाँ पे आते हैं, और हम लोग कभी जाते हैं सनसेट देखने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कन्याकुमारी लास्ट पॉइंट है इंडिया का, तो इसका सनसेट बहुत सुंदर होता है। तो मैं आपको मिलती हूँ सुबह और इसका सनराइज दिखाती हूँ। यहाँ पे कुछ फेस्टिवल चल रहा था यहाँ पे, तो हम लोग वो देखने के लिए आ गए थे। सो ये रहा नेक्स्ट मॉर्निंग, और हम लोग अभी निकल पड़े हैं सनराइज देखने के लिए, और आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए सनराइज को। Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. तो यहाँ से आपको स्वामी विवेकानंद जी का रॉक मेमोरियल और थिरुवल्लुवर का स्टैचू आपको यहाँ से दिख जाएगा, और कन्याकुमारी का जो सिटी है यहाँ से बहुत सुंदर दिखता है। सो गाइज ये जो आप देख रहे हो ना, ये स्वामी विवेकानंद जी का बुक लाइब्रेरी है। अगर आपको उनके बारे में कुछ जानना है या फिर उनका कुछ बुक पढ़ना है तो आप यहाँ से खरीद सकते हो। उसके बाद हम लोग आ गए थे त्रिवेणी संगम में, तो नज़ारा इतना प्यारा था मैं आपको नहीं बता सकती, बहुत सुंदर नज़ारा था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरेबियन सी का पूरा मिक्स था। तो यहाँ पे आपको तीनों कलर का सी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे लोग नहा भी रहे हैं, तो इसका मान्यता ये है कि यहाँ पे अगर आप नहाते हो तो आप बहुत ही पुण्य कमा सकते हो, आपका सारा का सारा पाप धुल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ देर एंजॉय करने के बाद हम लोग निकल जाएंगे रामेश्वरम के लिए। तो रामेश्वरम का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कुछ भी हेल्पफुल अगर लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, देन बाय बाय, टेक केयर।